हिमाचल प्रदेश से खबर है जहां एक मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर हंगामा बरपा है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शिमला में प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि अवैध निर्माण कहीं भी हो नियम के हिसाब से कार्रवाई होगी, ये धार्मिक स्थल का मुद्दा नहीं, ये कानून का मसला है। कल मंत्री ने ये भी कहा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है जिसको लेकर नोटिस कई बार दिए गए। हिंदू समाज में इसी को लेकर आक्रोश, हिंदू समाज का ये प्रदर्शन। मस्जिद अवैध निर्माण का मामला हिमाचल प्रदेश में गर्माता हुआ। तो मस्जिद में ये अवैध निर्माण और इसी को लेकर आक्रोश, ये देख रहे हैं आप, ये निर्माणाधीन मस्जिद, नीचे की मंजिल पहले की बनी हुई है और ऊपर की तरफ ये और निर्माण का काम जो हुआ है, और इसको लेकर अवैध निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन जिसको लेकर सड़क पर उतरे हुए लोग नजर आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेरा। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहलता शुक्ला। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश, सड़कें नदियों में तब्दील, जलभराव की वजह से वाहनों का चलना मुश्किल हुआ, कमर तक भरा पानी। गुजरात के बनासकांठा में बारिश का प्रकोप जारी है, लगातार बारिश के चलते सड़क पर भरा पानी और गाड़ियों के रफ्तार पर ब्रेक लगा। गुजरात में भारी बारिश से एक हफ्ते में 49 लोगों की जान गई है, 37,000 लोगों को बचाया गया। सूरत में लगातार बारिश से किम नदी में उफान, अजमेरी नगर कई निचले इलाकों में जलभराव, सबसे ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के चलते ओवरफ्लो हुआ नागदी डैम, निचले इलाकों में पहुंचा डैम का पानी, प्रशासन ने लोगों से डैम से दूर रहने की अपील की है। तेलंगाना में भारी बारिश का तांडव, तड़वई रेंज में उखड़े करीब 50,000 पेड़। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का पानी कम होने के बाद घरों से मिट्टी मलबा साफ किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड की टीम घरों और सड़कों को साफ करने में जुटी हुई है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पूरी दुनिया को सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। टीचर्स डे पर पीएम मोदी ने देशभर के शिक्षकों को लिखी चिट्ठी, भावी पीढ़ी को गढ़ने में लगे सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वर्गीय वसंतराव चव्हाण के परिवार से मिले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वसंतराव के निधन पर प्रकट किया शोक, 26 अगस्त को वसंतराव का बीमारी के चलते निधन हुआ था। हरियाणा के जिंद की उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला ने किया नामांकन, दुष्यंत के पिता अजय चौटाला का दावा, इस बार हरियाणा में बनेगी जोर तोड़ की सरकार। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को ट्रिपल झटका, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी, रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस का दामन थामेंगे लक्ष्मण नापा। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, 23 नामों पर केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है मंथन। हरियाणा में बीजेपी ने 3 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट काटे हैं, बवानी खेड़ा से विश्वंभर बाल्मीकि, रनिया से रणजीत चौटाला, सोहना से संजय सिंह का टिकट कटा है, रणजीत सिंह चौटाला बोले जरूर लड़ूंगा चुनाव। हरियाणा के अंबाला सीट से बीजेपी ने असीम गोयल को उम्मीदवार बनाया है, अंबाला में महिलाओं ने तिलक लगाकर और फूलों की बारिश करके असीम गोयल का भव्य स्वागत किया। हरियाणा के कैथल विधानसभा पर बीजेपी ने लीला राम गुर्जर को फिर मैदान में उतारा है, लीला राम के समर्थकों में जश्न का माहौल है, 2019 में लीला राम ने रणदीप सुरजेवाला को हराया था। हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेताओं के परिवार वालों को भी टिकट दिया गया है, तोशाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट मिला, अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती को टिकट दिया गया है। आज हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की आ सकती है पहली लिस्ट, केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा के 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोशिश अब भी जारी, दीपक बाबरिया से मिले राघव चड्ढा, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार के समर्थन में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने रैली की। अनुराग ठाकुर ने किश्तवाड़ की जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के लिए अधिसूचना जारी। 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट से उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। बोले जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लागू करना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला, लेकिन कोई माइका लाल ये काम दोबारा नहीं कर पाएगा। गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा बीएचपी का प्रतिनिधिमंडल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उचित कदम उठाने की मांग की। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले एक तरफ आरएसएस और बीएचपी ने देश जोड़ने का काम किया, दूसरी ओर कुछ लोग जाति और वंश के नाम पर तोड़ने का काम करते। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सिंघवी ने कहा केजरीवाल सीएम हैं, उनके बाहर रहने से केस को कोई नुकसान नहीं होगा। केस की जांच पूरी हो चुकी है, सबूत मिटाने और भागने का कोई अंदेशा नहीं। 10 सितंबर से शुरू होने जा रही तेजस्वी यादव की यात्रा के लिए पार्टी ने गाइडलाइंस जारी की है। कार्यकर्ताओं से गमछे की जगह हरी टोपी को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बिल पास किया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुई 12 कैंडिडेट्स की मौत पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। बोले कोविड के दौरान लगाए गए दोषपूर्ण टीकों की वजह से हो रही है लगातार लोगों की मौत। पीएम मोदी की सिंगापुर प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सेमीकंडक्टर, इकोसिस्टम को लेकर के कई अहम करार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर के संसद में जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने सिंगापुर में एईएम होल्डिंग्स लिमिटेड के सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का दौरा किया। सिंगापुर के पीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। भव्य स्वागत के लिए पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम का आभार जताया। कहा सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। सिंगापुर में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। ढोल की धुन पर डांस करते हुए कलाकार दिखाई दिए। पीएम मोदी ने भी ढोल बजाया। महाराष्ट्र के पर्ली में बीजेपी नेता नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर। नीतीश के बयान से नाराज हैं मुस्लिम समाज के लोग। पर्ली पुलिस स्टेशन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार में पूर्व मंत्री भारत भूषण के करीबी राजदीप सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। टेंडर स्कैम में ये गिरफ्तारी हुई है। कमीशन एजेंट राजदीप कई नेताओं का खास बताया जा रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान पर करोड़ों की डकैती का मामला। बदमाशों के साथ एसटीएफ की मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव मुठभेड़ में ढेर हुआ है। मौके से एक पिस्टल कारतूस बरामद। सुल्तानपुर डकैती कांड में हुए एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, पुलिस ने दिखावटी गोली मारी और जात देखकर जान ली गई। एनकाउंटर मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि मंगेश यादव को पहले ही करा देना चाहिए था सरेंडर। पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो माला नहीं पहनाई जाएगी। अखिलेश की अपराधियों को बचाने की आदत गई नहीं है। सुल्तानपुर एनकाउंटर मामले पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा जाति पूछने का काम करती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी की सरकार में अपराधी का जाति, मत और संप्रदाय नहीं होता। सुल्तानपुर एनकाउंटर को नकली बताने पर बीजेपी का अखिलेश यादव पर पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले अपराधी सजाती होने पर अखिलेश जी को ज्यादा दर्द होता है। राजस्थान के कोटा में रंगदारी, अवैध वसूली, हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर गुड्डू की दुकान और कारखाने पर बुलडोजर चला गया। गुड्डू पर दर्ज है 44 से ज्यादा मुकदमे। गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट के आसपास के इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। बंदरगाह पर आपराधिक किस्म के लोगों ने कब्जा करके रखा था। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की कार्रवाई। पटना में वित्त रहित शिक्षकों ने जेडीयू दफ्तर का घेराव किया। शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें 8 साल से अनुदान नहीं मिला। सरकार से लगातार वेतन की मांग कर रहे हैं। यूपी के रामपुर में स्कूल टीचर ने छात्रा को कलावा और तिलक लगाकर स्कूल आने के लिए
मना किया। मामले की जानकारी होने पर भड़के हिंदू संगठन, स्कूल में जमकर किया हंगामा। आइए आगे बढ़ते हैं। खबर शिमला से है, जहां हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण के आरोप को लेकर के हंगामे की खबर मिल रही है। और आपको ये बताएं कि आज हिंदू संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो शिमला में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। सरकार के पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण कहीं भी हो, नियम के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। और देखिए किस तरीके से लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के, झंडे लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं। ये धार्मिक स्थल को लेकर के जो लोगों की बात सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि धार्मिक स्थल का मुद्दा है ही नहीं, ये कानून का मसला है। कल मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है, जिसे लेकर के नोटिस भी कई बार दिए गए थे। तो मस्जिद को लेकर ये सवाल, और इसीलिए शिमला में बवाल, उसी की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप है और इसीलिए हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हुए हैं। मस्जिद निर्माण को लेकर ये बवाल मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि उपनगर संजौली और साथ ही चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठन के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और इस तरीके से नारेबाजी भी कर रहे हैं। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूटा है और इस मसले को लेकर अब सियासत भी लगातार हो रही है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग इस तरीके से नारेबाजी करते हुए, कल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। सरकार के पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि अवैध निर्माण कहीं भी हो, नियम के हिसाब से कार्रवाई होगी। ये धार्मिक स्थल का मुद्दा नहीं, कानून का मसला है। और साथ ही ये भी कहा गया कि सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण हुआ है, जिसको लेकर नोटिस भी कई मरतबा दिए गए हैं। और अब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनकी जो मांग है या फिर जो अवैध निर्माण हुआ है उस पर कार्रवाई, उस पर एक्शन। शिमला में हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर निकले हुए हैं और इस तरीके से नारेबाजी करते हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण का ये मामला है। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदू संगठन इकट्ठा हुआ हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के और उस फैसले के लिए वो एक्शन की मांग कर रहे हैं, जहां मस्जिद के निर्माण को लेकर उनका कहना है कि अवैध निर्माण है, ये धार्मिक मसला नहीं है और इसे लेकर के कार्रवाई नियम संगत होनी चाहिए। कोई गलत बात करी है? यहाँ जो भी अवैध निर्माण हुआ है वो किसने किया है? जाहिर है, मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में जितना भी अवैध निर्माण किया है वो हिंदुओं ने नहीं किया है, मुसलमानों ने किया है। और यहाँ पे भी पॉलिटिशियनों की छत्र छाया में जो यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है वो किसने किया है? मुसलमानों ने किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इसको प्रशासन इतना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो अपने आप उस निर्माण को गिराने के लिए दम रखता है। देखिए लोगों का गुस्सा किस तरीके से यहाँ पर फूट रहा है। अवैध निर्माण को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई करे सरकार, वरना ये जो आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है वो बढ़ता ही जाएगा। अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के शिमला पहुंचे हुए हैं लोग, अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। ये दो तस्वीर आपको उसी की हम दिखा रहे हैं, ये आक्रोश सड़कों पर शिमला के नजर आ रहा है। बिल्कुल। और हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज फिर कहा है कि जो कोई भी कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से होगी। मामला अदालत में लटका हुआ है, वैसे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर अब सियासी बयानबाजी का ताना बाना कैसे बुना हुआ है देखिए आप। 2010 से शुरू है ये काम। जमीन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है, वो केवल कब्जाधारी है। 10 साल केस चलाया उन्होंने सलीम के खिलाफ, कोई रिस्पॉन्डेंट है सलीम, बाद में हटा के वर्कबोर्ड को पार्टी बनाया गया है। 10 साल तक आपको पता नहीं चला। और जब हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है उसके ऊपर तो नक्शा एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पास होने की तो दूर की बात है। बात मस्जिद और मंदिर की नहीं है, हम बोल रहे हैं अगर मंदिर भी अवैध है उसके ऊपर भी एक्शन हो। क्या उन्होंने प्रशासन से कोई धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन ली है? डिप्टी कमिश्नर से, SDM से ली है? इसकी जाँच तो करो ना। मंदिर है, मस्जिद है, वो सबका है।
ये नहीं कि किसी व्यक्ति पार्टी का, राम मंदिर है वो सबका है, वो कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी का है, वो किसी की जागीरदारी नहीं है, ओबीसी साहब की जागीरदारी नहीं है। और वैसे भी ओबीसी साहब, जो ओबीसी साहब हैं वो सीनियर आदमी हैं, हम भी उनके ऐसा नहीं है उनके रिस्पेक्ट नहीं करते, अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन एक समुदाय के नेता हैं, पूरे देश के नेता नहीं है, वो केवल एक समुदाय के ऊपर राजनीति करते हैं और वो बीजेपी की जो है बी टीम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो AIIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिमाचल में जो सरकार के लोग हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, उसी पर ये जवाब आपने सुना अनिरुद्ध सिंह का। इसी पर हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सचिन, ये पूरा मामला है क्या अवैध निर्माण का, जरा विस्तार से बताइए। और आज तो प्रोटेस्ट के लिए बहुत बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, काफी दिनों हिंदू संगठनों के जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मस्जिद को लेकर, और आरोप ये लगा रहे हैं कि मस्जिद जो है अवैध बनाई गई है। पर इसमें सवाल ये है कि क्या ये मस्जिद जो है, जो जब शुरू से एग्जिस्ट कर रही है तब से अवैध है, या इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है वो अवैध है। अब ये जो है सरकार ने हिंदू संगठनों को जो है ये भरोसा दिलाया है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि मस्जिद अवैध है या फिर इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई है कुछ एक फ्लोर की वो इलीगल है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है इस सारे जो इशू में जो है मस्जिद को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो यही है कि मस्जिद अपने आप में इलीगल है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, देखते हैं कि अब इस पर किस तरीके का रुख रहता है। तमाम संगठन फिलहाल शिमला की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए। खबर नोएडा से है, सेक्टर 83 में सब्जी मंडी है और वहां पर हंगामे की खबर मिल रही है। दो गुट आमने सामने आए, लाठी डंडे चले और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। ये देखिए आप, मारपीट का ये वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 8 सब्जी मंडी में क्या हालात है, जिसके हाथ में जो आ रहा है वही चला के एक दूसरे को मार रहा है। इस पूरे मामले में मार पिटाई का ये वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, नोएडा से आया हुआ है। आपस में मारपीट करते, ये सब्जी मंडी लोकेशन है, वहां पर दो गुट बताए जा रहे हैं कि आमने सामने आने के बाद कहा सुनी हुई, कहा सुनी से बात आगे बढ़ के मारपीट की नौबत आ गई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूक्रेन से जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। भारत युद्ध में मध्यस्थता कर सकता है, पुतिन ने कहा। भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थ हो सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग के हालात पिछले 2.5 साल से बने हुए हैं और इस बीच में राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। ये कहा गया है पुतिन की ओर से कि भारत युद्ध में मध्यस्थता कर सकता है और साथ ही भारत के साथ चीन और ब्राजील मध्यस्थ हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, यूक्रेन से जंग पर व्लादिमीर पुतिन का ये बड़ा बयान है।